फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो चलिए आज हम सबका फेवरेट गुलाब जामुन बनाएंगे, वो भी एकदम इजी तरीके से। आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी लिफू। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है, उसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। और अभी हम शुगर मेल्ट होके चाशनी अच्छे से उबलने तक उसको पका लेंगे। चाशनी अच्छे से उबल रही है, अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और केसर डाल देंगे। चाशनी में नींबू का रस डालने की वजह से उसमें शुगर क्रिस्टल्स नहीं बनते। और अभी हम चाशनी को अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चाशनी रेडी है, अभी हम उसको साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप मावा लिया है, अभी हम उसको एक बाउल में निकाल लेंगे। उसमें 2 चम्मच दूध डाल देंगे और मावे को अभी हम 1 मिनट तक अच्छे से मसल के ले लेंगे। मावा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 1/2 कप गेहूँ का आटा लिया है, अभी हम इसमें डाल देंगे और 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा डो बना के ले लेंगे। आटा बन के रेडी है, अभी हम उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के ले लेंगे। आप देख सकते हैं बॉल्स में क्रैक्स आ रहे हैं, मतलब हमने जो आटा बनाया है वो थोड़ा सा कड़क हो गया है। अभी हम इसमें 2 चम्मच दूध डाल देंगे और आटे को अच्छे से फिर से मसल के ले लेंगे। मैंने आटे को फिर से अच्छे से मसल के ले लिया है, अभी हम थोड़ा सा डो हाथ में लेके उसको दोनों हथेली के बीच में रख के अच्छे से मसल के उसका बॉल बना लेंगे। आप देख सकते हैं अभी बॉल एकदम अच्छा बन रहा है, उसमें क्रैक्स भी नहीं है। हम सारे बॉल्स ऐसे ही बना के ले लेंगे। सारे बॉल्स बन के रेडी है, अभी हम उनको तल लेंगे। गुलाब जामुन तलने के लिए मैंने यहाँ पे घी अच्छा गरम करके ले लिया है, अभी हम उसमें हमने जो बॉल्स बनाए हैं वो डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और लो फ्लेम पे गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन होने तक हम उनको तल के ले लेंगे। हम बीच बीच में गुलाब जामुन को ऐसे कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे, उसकी वजह से गुलाब जामुन सब साइड से अच्छे से तले जाएंगे। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अभी हम उनको निकाल लेंगे और सारे गुलाब जामुन हम ऐसे ही तल के ले लेंगे। गुलाब जामुन थोड़े ठंडे होने के बाद अभी हम उसको चाशनी में डाल देंगे और गुलाब जामुन को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अभी हम उसको 1/2 आवर के लिए ऐसे ही रख देंगे, गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी पी लेंगे। 1/2 आवर के बाद आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन रेडी है। गुलाब जामुन अंदर से एकदम सॉफ्ट और गुलाब जामुन ने चाशनी भी अच्छे से पी ली है, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बन के रेडी है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।